A very good morning, my dear students. Welcome to the English class. Students, today in this class, we are going to discuss gender. बच्चों, gender क्या होता है? A noun that denote a male, a female, a common or a neuter. मतलब कि जो noun ये बताए कि या तो वो male है या फीमेल है या कॉमन है या फिर वो न्यूटर है, तो वो क्या होते हैं? जेंडर. जेंडर फोर टाइप के होते हैं. सबसे पहला होता है मैस्कुलिन. अ नाउन दैट डिनोट अ मेल. जो नाउन हमें ये बताता है कि ये मेल के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे बॉय, हॉर्स एंड शॉपकीपर, ड्राइवर. तो ये क्या है? हमारे मैस्कुलिन. जो नाउन हमें मेल के बारे में डिनोट करे, दैट डिनोट अ मेल, उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन. फेमिनिन नाउन जेंडर वो होते हैं जब नाउन फीमेल के बारे में को डिनोट करते हैं, जो नाउन फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गर्ल, वुमेन, लेडी. और उसके अलावा हम बोल सकते हैं लेडी, जैसे टीचर, टीचर एक लेडी भी हो सकती है. एंड और बहुत सारे, ग्रैंड मदर, ठीक है, मदर इन लॉ, दीज आर फेमिनिन जेंडर. नेक्स्ट है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर वो होता है जो कि दोनों के लिए यूज होता है, जैसे कि टीचर. टीचर जो है, दैट कैन बी अ मेल एंड अ फीमेल. अ डॉक्टर, अ ड्राइवर, फ्रेंच. तो ये क्या है? हमारे कॉमन जेंडर. ये दोनों के लिए यूज होते हैं. क्लियर? उसके बाद हमारा फोर्थ जेंडर है, दैट इज़ न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर वो होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं. जैसे कि बेल हो गया हमारा, बैग हो गया. तो बच्चों, जेंडर को चेंज करने के लिए भी सर्टन रूल्स होते हैं, ठीक है? तो लेट्स डिस्कस दीज रूल्स. सम नाउन्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. उनकी अलग अलग फॉर्म होती है, यानी कि मैस्कुलिन के लिए वो अलग यूज़ होते हैं और फेमिनिन के लिए वो अलग यूज होते हैं. जैसे फर्स्ट है बैचलर. बैचलर का बनेगा मेट. देन पापा, मम्मा, स्टैग, हिंट, हीरो, हीरोइन, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ. अवर नेक्स्ट रूल इज बाय एडिंग ES, ESS. कई जो जेंडर हैं उसको हम चेंज करने के लिए उसके पीछे ESS लगाते हैं, जैसे ऑथर, ऑथरेस, ESS लगा दिया. होस्ट, हॉस्टेस, लॉयन, लॉयनेस, पोइट, पोइटस. कुछ एक हमारे जो जेंडर हैं उसके पीछे ESS लगता है, लेकिन जो बीच का वोवल होता है उसको हम ऑमिट कर देते हैं, जैसे कि एक्टर, ACTOR. तो इसमें से हम ओ को ऑमिट कर देंगे, ACTRESS. हंटर, हंट्रेस, वेटर, वेटरेस, टाइगर, टाइग्रेस, निग्रो, इसका आर ऑमिट कर देंगे, निग्रेस. नेक्स्ट रूल इज बाय एडिंग ESS इन अ लेस रेगुलर वे. कैसे? कि जैसे एम्परर हो गया, तो EMPR, उसके बाद ई और बीच के लास्ट के OR जो है ऑमिट कर देंगे, ESS. EMPRESS. मास्टर्स, मास्टर का बनेगा मिस्ट्रेस या फिर मिस. गॉड, गॉड का बनेगा गॉडेस. क्लियर? नेक्स्ट है बाय एडिंग वन ऑफ द टू कंपाउंड नाउन. मतलब उन दोनों नाउन में से एक को हम जब चेंज कर देते हैं तो हमारा जेंडर चेंज हो जाता है. जैसे वुल काफ, वुल का हम क्या बनाएंगे? काओ काफ. कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो. फादर इन लॉ, मदर इन लॉ. लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी. नेक्स्ट है द रूल फॉर द थर्ड पर्सन. जैसे कि हमारा ही है, अगर हम बॉय के लिए ही यूज़ करते हैं तो गर्ल के लिए शी, बॉय के लिए हम हिम और हिज यूज़ करते हैं और गर्ल के लिए हर. हिमसेल्फ, देन इसका बनता है हरसेल्फ. सो बच्चों, ये थी हमारी शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द जेंडर. इसको अभी हम डिटेल में करेंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.